स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस क्लास टूडे वी लर्न लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉक लाइफ साइकिल क्या होता है स्टेज वन होती है एग एग आर लेड इन ग्रुप इन द वॉटर बाय द फ्रॉग दीज देन हैच इन टू टैटपोल्स एग्स एक ग्रुप में frog एक ग्रुप में एग्स देता है पानी में और फिर वो एग्स tadpoles में बदल जाते हैं स्टेज टू टेट पोल्स अब हम पढ़ेंगे स्टेज टू टेट पोल्स वेन द एग्स tadpoles emerge इमर्ज दीज आर लॉवी ऑफ द फ्रॉक एग्स से बनते हैं टेट पोल्स और ये tadpoles लावी होते हैं फ्रॉक के मतलब ये बहुत टाइनी होते हैं बहुत थ्रेड की तरह के होते हैं बहुत टाइनी से होते हैं लंबे से टाइनी से होते हैं जैसे कि हम अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एग से एक हल्का सा टेड पोल निकल रहा है हल्की सी थ्रेड से निकल रही है सेकेंड स्टेज में वो हल्का सा स्लाइनी है और लंबा है टाइनी भी है वो गोल शकल में नहीं है वो एक लंबी शकल में थ्रेड की तरह का और बारीक सा है पतला सात टू लेग्स अब हम पढ़ेंगे कैसे टेटपोल टू लेग्स उसकी बनती है द टेट पोल ग्रोस टू फ्रंट लेग्स एंड इट्स लॉन्ग टेल बिकम्स शोटर एंड शॉर्टर अब हम पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह एक लंबी सी टेल है आगे से वो सिर्फ़ एग की शक्ल का है पीछे उसकी एक लंबी सी टेल है वो टेटपोल जैसे जैसे बड़ा होता है तो आगे की तरफ से उसकी दो टांगें निकलती हैं और जो उसकी एक लंबी टेल होती है वो शॉर्ट होती जाती है और जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि थर्ड वाली पिक्चर में वो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है आगे से उसकी शेप अभी भी थोड़ी सी एग की तरह की ही है लेकिन पीछे से वो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है एज़ कम्पेयरटिवली सेकेंड वाली स्टेज के वो उसकी जो टेल है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है और उसकी आगे से दो टांगे निकल आती हैं स्टेज नंबर फोर टेड पोल विथ फोर लेग्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ द टेडपोल टर्नस इन टू अ फ्रॉक अ कार्निवर्स लैंड एनिमल मूविंग विथ फोर लेग्स एंड ब्रीदिंग विथ लंग्स जब तक ये स्टेज फोर तक पहुंचता है तो टेटपोल इतना बड़ा हो चुका होता है कि इसकी चारों टांगें आ जाती हैं अब चार टांगों वाले किसी भी जानवर को हम क्या कहते हैं कार्निवर्स, जो ज़मीन पर जिंदा रहता है और ये लंग्स से सांस लेता है अपने स्टेज फोर में ऑलमोस्ट पूरी तरह का फ्रॉग बन चुका होता है स्टेज फाइव यंग फ्रॉग The juvenile frog grows front legs and its tail gradually becomes shorter, until it is no longer there. There are nutrients within its tail that is absorbs as food. जैसे-जैसे frog जैसे बड़ा होता है, उसकी front legs आने लगती हैं और उसकी जो tail होती है, वो छोटी से छोटी हो जाती है। आखिर में उसकी बिल्कुल कोई टेल नहीं रहती उसकी टेल में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्रॉग अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है एज अ फूड फूड की तरह वो उस न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर जस्ब कर लेता है ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह एक दिन उसकी टेल ख़त्म हो जाती है स्टेज सिक्स अडल्ट फ्रॉक एज द फ्रॉक डिवेलप इंटू एन अडाल्ट इट विल बिगिन टू ई ई ई ई ईट इंसेक्स इट कैन टेक अप टू फोर ईयर्स बिफोर टू फ्रॉक बिकम्स फुली मच्योर जैसे ही फ्रॉक एक अडल्ट बन जाता है उसकी यंग फ्रॉक की एज खत्म हो जाती है उसकी चारों पाओं निकल आते हैं उसकी टेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तब फ्रॉक जो होता है वो इंसेक्ट खाने शुरू हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कोई भी मक्खी एनी थिंग डैट को बी अ लिजट और समथिंग जिसको भी वो कैच कर सके वो इंसेक्ट वो खाने लग जाता है तब तक वो चार साल तक मच्योर होने में उसको लग सकते हैं एक फ्रॉक को thank you for watching i hope you like the video do like subscribe and share do comment what do you want to see more if you want any detailed solutions if you want 101 class or anything important do contact rise up on this number shown on your screen thank you so much